खेलना भी हंसके चाहिए ना, उसका हंसकर खेलना चाहिए। अगर मैं रोके खेलूंगा तो लोगों को वीक पॉइंट मिल जाएगा मेरा। हाँ नहीं बिल्कुल नहीं, तो मेरे दिल पर लेने की जरूरत ही नहीं है किसी भी गेम को। गेम को गेम के तरीके से गेम तो तुम सारे अच्छे खेल, बिल्कुल। और क्या गेम तो खेल लेना, गेम 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 शो गेम शो तो सारे जो अच्छे भी गेम है तुम अच्छे खेल लो। बिल्कुल गेम को से खराब खेल लो तुम, बस तुम अच्छे खेलते हो तो कोई वो मसला नहीं। बस देखा हाँ मेरी सपोर्ट में, तो मॉम मेरी सपोर्ट में नहीं क्योंकि मॉम आप लोग की तरह सोच रही है। तो पापा को पता है ये बात कि जो स्क्रीन को होता है वो पीछे नहीं, मतलब सामने असल रियल में नहीं होता, और जो पीछे होता है वो रियल होता है। तो मास पीछे है, मास रियल है, समझे। अब ये थोड़ी कि और बात को मैं सेटिस्फाइंग बताऊँ आपको कि क्या है क्या नहीं है। बस आज मैं लाइव आ गया तो बस चंद बातें करनी थी, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो बहुत बुरा समझते हैं भाई को, लेकिन वो जब सामने मिलते हैं तो बहुत प्यार करते हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं। अभी भी मैं आया था घर पर तो एक नीचे फैमिली आई हुई थी, वो मुझसे आती है कभी और मिलने, उनको मैं अच्छा लगता हूँ ना, मेरी बातें अच्छी होंगी या उनको मैं अच्छा लगता हूँ, मेरी नेचर अच्छी होगी तभी तो आते हैं। मेरे पास कोई आए मैं उनको बका दूँ चल यार जाए यहाँ से, ये थोड़ी होता। अब अक्सर लोग पता क्या करते हैं, लोग स्क्रीन पर करते हैं वो मेरे बच्चों को लग गया, तो लोग बोलते हैं अरे ये तो बहुत प्यार करता है, इसमें तो बहुत सिंपैथी है यार, मतलब ये तो हर 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 लोगों की केयर करता है। तो ये बेकार चीज़ है, ये दिखावा है। लेकिन आप लोग इसको अच्छा समझते हो, आप लोग अच्छा समझते हो, तो आप लोग को समझना चाहिए ना यार कि कौन सही होगा। एंड करते हैं, बोलो हेलो कोई है, कोई है? हाँ हाँ बिल्कुल है, हेलो हेलो कौन? माँ नाम लो मेरा। कोई ड्रामा बता दो अच्छा था यार। ड्रामा मैं नहीं बता सकता, एक चैनल है यूट्यूब पे ना, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ ना, एक चीज़ गौर से सुनना, एक चैनल है यूट्यूब पे, उसके ड्रामे इतने बेहतरीन ड्रामे हो ना, बेहतरीन एक्टिंग उसकी। तो उस चैनल का नाम है और क्या वीडियो होती है उसकी यार, मतलब उस चैनल की वीडियो यूट्यूब पे ओए मस्त है। तो जल्दी जाओ अभी सर्च करो मां सफदर वर्ल्ड, सस्ता सस्ता जोक ठंडा जोक। अच्छा ये बात तब लोग पता है कि मैंने वर्ल्ड क्यों लगाया है, मास अफदर वर्ल्ड। सीन ऐसा है कि मास अफदर वर्ल्ड का कोई मकसद है, वर्ल्ड लगाने का मकसद के मकसद ये है कि अभी हम तो अभी गेम शो में ना, तो एक चैनल है यूट्यूब के चैनल है सही है, उसमें मैं अभी जो कर रहा हूँ जहाँ मैं जा रहा हूँ वही दिखाऊंगा ना, क्योंकि मैं अभी 3 दिन गेम शो में जाता हूँ तो वहाँ का ब्लॉग करता हूँ। लेकिन जब गेम शो खत्म हो जाएगा, मैं छोड़ दूंगा या मैं गेम शो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, सिर्फ ऑडियंस हो जाएगी, तो उसके बाद वर्ल्ड टूर पे जाएंगे, वर्ल्ड टूर पे, तो वर्ल्ड टूर के ब्लॉग बनेंगे फिर। तो इसलिए थोड़ा मेरे साथ ही रहो, सपोर्ट करो और बहुत मज़ा आएगा। अभी तो बड़ा भी होना है, अभी जान वान बनानी है, अभी बॉडी शॉडी बनानी है, अभी और हैंडसम होना है, अभी तो हमारा बचपन है, तो साथ रहो, बहुत मज़ा आएगा आगे, बहुत मज़ा आएगा। मैं दिख रहा हूँ उसके अंदर से क्या? ओ मैं दिख रहा हूँ। यार फरिया गई भी है ना, ना 7-2 आगे जाएंगे, उड़ के जाएंगे, उड़ के शर्ट लगाओ मुझसे, अगर तुम लोगों ने साथ दिया ना उड़ के जाएंगे। यार मेरी तरह बनो प्लीज यार, जो 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 मुझे फॉलो करते ना, बात सुनो देखो, तो के तकरीबन 100 में से 90% लोग ऐसे हैं जो अपनी आईडी से
100 या 200 बंदों को फॉलो करते, सही है? तो वो हर बंदे को उसी तरह जज करते हैं जिस तरह वो सोचते हैं। मैं तो बोलता हूँ कि उस बंदे को जज उस तरह करो जिस तरह वो आपका, जिसको आप पसंद करते हो वो जिस तरह सोचता है, तो आप उस तरह उसको जज किया करो जिस तरह वो सोचता है। तो अगर आप लोग हमें पसंद करते हो या मुझे पसंद करते हो तो मेरी सोच से मुझे जज करो ना यार, क्योंकि मैं हंस के खेलता हूँ या ओवर कॉन्फिडेंट होकर खेलता हूँ। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता मतलब वो मैं फील नहीं करवाता, मैं स्क्रीन पे बोल रहा हूँ ना, मैं फील नहीं करवाता कि मैं टेंशन में हूँ या नहीं। अब अगर मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा ना, ये खुल गया, अब क्या होगा? लोग बोलेंगे हाँ यार ये तो, यार ये तो टेंशन बहुत है यार, ये तो रो भी रहा है, ये तो एक्टिंग भी अच्छी, मतलब एक्टिंग तो नहीं लगेगी तुम लोग को तो यार लगेगा, तुमको टीवी में दिखा रहा हूँ। अब मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ क्लियरली, जो टीवी पे दिखता है वो रियल में नहीं होता। जिस तरह प्यार दिखा के या बता के नहीं होता ना, उस तरह आगे बोलिए। ये देखो मेरी मॉम भी सीधे कॉल पे बता रही है के मास देखना लेकिन ज्यादातर ना लोग भी करते हैं टिकटॉकर कितने मॉम मेरी बातें किसी और को बता रही है। नहीं अभी 3 मैच है, कल नहीं है वो, कल एलिमिनेटर नहीं है भाई, कल क्वालिफायर नहीं है, एक हफ्ता है अभी, अगले मंडे को भाई ये बात सुनो, मेरी बात सुनो, अभी मैं जो बात करने आया था ना, मैं भी उसकी बात कर रहा हूँ। जो लोग ये बोल रहे हैं कि मास ये कमेंट पढ़ रहा है लेकिन रिप्लाई नहीं दे रहा, तो मास इसलिए नहीं दे रहा, मास अलग से आएगा, टीबीएच के लिए अलग से लाइव आएगा, और खड्डे फसाद के लिए अलग से लाइव आएगा, स्क्वाड के लिए अलग से लाइव आएगा। अभी मैं जिस काम के लिए आया वो काम करूँगा मैं, वो क्या बोल रहा हूँ, सिंपति नहीं लेता भाई मैं, सिंपति चाहिए जिस काम, जो आप काम कर रहे हो ना आप उसमें जी जान लगा दो। तो मैं भी जो बात करने आया हूँ ना, मैं सिर्फ वो बात करके जा रहा हूँ, ये नहीं कि एक बात करने आया उसमें 100 बातें कर दी, ऐसा नहीं होता। ये थोड़ी होता है कि आप अगर टर्की का ब्लॉग बना रहे हो तो उसमें दुबई को भी ले लोगे। मिसाल समझो टर्की जा रहे हो और दुबई का ब्लॉग बना दो, ऐसा हो सकता? नहीं, कतई नहीं हो सकता, कतई जहर है। तुझे कितना चाहे और हम मम्मा के साथ हो जाएंगे खत्म, हो मम्मा को कितना चाहे और हम। मेरे बहुत मसले हैं वो हल करवाने के लिए कब आ रहे हैं यार, खामोश हो जाओ, फजूल बात में जवाब नहीं देता, अच्छी बात करो, अच्छे सवाल करो, मैं रिप्लाई करता हूँ, करें हाजिर हो। अच्छा मैं आप लोग को विदाउट एनी प्रमोशन कि मैं परफ्यूम कौन सा लगाता हूँ, कब से देख रहे थे आप माई फेवरेट परफ्यूम, भले मुझे 1,00,000 का परफ्यूम ला दो या 50,000 का परफ्यूम ला दो या मुझे कितने का भी ले आओ, 20,000 का, मेरे पास और परफ्यूम बड़े हैं, महंगे हैं, लेकिन मेरा फेवरेट ये है, बेहतरीन ये मैं लगाता हूँ, ये सस्ता है 2,500 का, महंगा नहीं है 2,500 का बस, पर ये बेस्ट। नाम नहीं पढ़ोगे? फरिया कहाँ है यार, फरिया शो में क्यों नहीं सिंगिंग करते, सो है शो में क्यों, अच्छा सिंग, अच्छा तो आपको ये भी बताऊं, अच्छा ओके आपको सिंग का बताऊं, यार हम सिंगिंग बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन पता है क्या, मैं बोल रहा ना स्क्रीन पे जो दिखता है वो नहीं होता यार, उनके कंट्रोल उनके हाथ में है, माइक के हमारे हाथ में नहीं है, हम मुंह से अच्छा ही गा रहे हैं। कभी आपने नोट किया है जो यूट्यूब पे वीडियो आ रही होती है, कुछ सिंगर होते जिनकी वॉइस चेंज होती है, वॉइस चेंज करके डालते, तो उनके हाथ में है माइक यार, हमारे हाथ में नहीं है। माइक की वॉइस हल्की भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हैं,
समझो ना, समझो ना। अभी यहाँ मैं अच्छा गाऊंगा। मेंटल इग्नोर करे, पता नहीं मेंटल नहीं है यार। देखो फैन पे सुनो, मास मोटू सुनो, ये लोग मेंटल नहीं है असल में, इनको पता नहीं है। इनको और भी लोग आते हैं लाइफ, तो इनको क्लियरली नहीं बताते, तो मैं क्लियरली बता रहा हूँ कि जो टीवी पे होता है वो रियल में नहीं होता, और जो रियल में होता है वो टीवी पे नहीं होता। तो हम रियल में टीवी पे नहीं है। अच्छा अगली बार से ना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं खेलूँगा, ठीक है? अब बता दूँ किस तरह खेलते हैं, किस तरह सिंपथी लेते हैं। हारने के बाद रोना, और गेम चेंजर आपका नहीं खुला तो एक्टिंग करना, ये मैं करके दिखाऊंगा अगली बार से। फिर देखता हूँ कितने लोग मुझे फॉलो करते हैं और कितने लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आजकल पता है लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं जो एक्टिंग करते हैं स्क्रीन के ऊपर, बेहतरीन रोने वाली एक्टिंग करें, उनको लोग सपोर्ट करते हैं। मतलब कोई भी हो, वही थोड़ी बोल रहा हूँ मैं किसी को ऊपर उंगली नहीं डालता, ना मैं डालता हूँ, क्योंकि सब मेरे दोस्त हैं, और सब दोस्त हैं तो हैं, सबसे प्यार करता हूँ मैं किसी को, मैं किसी को किसी की बुराई नहीं करता कभी भी। बस मैं ये बता रहा हूँ जो दूसरे टीवी भी चलते हैं, दूसरे चैनल्स भी हैं, तो इसे गाने नोट किया है, बताता हूँ। इंडियन आइडल आता है, इंडियन आइडल आता है, और कितने शो होते हैं इंडिया के कलर्स पे जो डांस कॉम्पिटिशन आ रहे होते हैं, पहले उनकी पूरी कहानी दिखाते हैं कि वो क्या काम करता था, उसकी माँ क्या है, मतलब एक मूवी मेकर है ना, पूरी मूवी बनाई भी उसकी, हालांकि वो ऐसा होगा भी नहीं, फिर भी बनाएंगे कि कचरा उठाता था, इस ये बर्तन धोता था, ये इधर जॉब करता था, इसके अंदर लेकिन टैलेंट था तो हमने इसको शो में बुलाया, फिर ये किसी अपने फेवरेट जो होस्ट बैठा, फेवरेट होस्ट नहीं जज बैठे बोलते फेवरेट, तो जज एक उसमें एक फेवरेट होगा उसका ना, अब एक फेवरेट देख के बोलेगा मैंने आपको रियल में देख लिया, रोना शुरू कर देगा, मतलब क्राइंग इमोशनल, ताकि वो क्लिप वायरल हो। क्लिप वायरल होगी तो उनके व्यूज बनेंगे, उनके चैनल लोग ज़्यादा देखेंगे कि हाँ यार इधर तो बहुत 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 मजदूर लोग आ रहे हैं ऑडिशन देने, और बहुत टैलेंटेड है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो दिखाते हैं वो होता ही नहीं है यार। ये पता कब समझ आएगी, कब समझ आएगी, इंशाल्लाह एक ना एक दिन बताऊँगा आप सब। जितने भी लाइव देख रहे हैं ना, अभी 4,000 के करीब करीब है, मैं बताएगा कौन रियल है कौन फेक है, इंशाल्लाह। पीस 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 जाओ, मैं आप इजाज़त दें मुझे, मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दिए, अच्छे अच्छे बहुत बेहतरीन एग्जांपल दिए मैंने आपको, कभी आप मुझसे रियल में कोई मिलेगा ना फिर बात करेंगे, ओके ओके ओके। ये मैं फनी भी बहुत हूँ, और मैं थोड़ा गुस्से वाला भी हूँ, क्योंकि मुझे बातें बहुत जल्दी बुरी लग जाती है, क्योंकि जो हक पे बात नहीं होती ना उस पर मैं लड़ता भी हूँ। जैसे मैं लाइव में भी आया था, शुरू में मैं गुस्सा हुआ था, यार मैं गुस्सा नहीं था, वो मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा था कि डिसअपॉइंट की बात नहीं, डिसअपॉइंट नहीं हो करो, क्योंकि मैं अपने आप से डिसअपॉइंट नहीं हो रहा, तो आप लोग क्यों हो रहे हो यार, मैं भी तो खुश हूँ ना, मैं चाहता हूँ आप लोग भी खुश रहो, टेंशन नहीं लेनी, ले जाएंगे, नो टेंशन, चीयर, बाय, जाओ। कब आएंगे अब, कब आऊँगा यार, जब आप लोग कुछ उल्टी बातें करोगे जब आ जाओ, क्योंकि आप लोग प्यार तो कम करते हो, उल्टी बातें ज़्यादा करते हो, तो इसलिए अच्छी बातें करना, तो क्या पता फिर आ जाओ। थैंक यू, बाय बाय, लव यू यार जो सपोर्ट करते हैं। गोलू मोलू मैं गोलू मोलू मैं गोलू मोलू
मैं बोलू बोलू पप्पे परमिनेंट तुम। अच्छा कल व्लॉग आएगा दोपहर के टाइम आई थिंक, या दोपहर से पहले पहले। तो कल व्लॉग आ रहा है मेरा दोपहर से पहले पहले या दोपहर में, तो अभी एडिट करूँगा मैं, फिर रात एडिट करूँगा, मतलब 2-3 घंटे लगेंगे, उसके बाद फिर अपलोड करूँगा इंशाल्लाह कल। फरिया हाय करो तुमको, बोलो बाय बाय। बोलो मेरा दांत टूट गया है, फरिया का दांत टूटा है भी अभी। हाय फरिया, बोल फरिया हाय बोल ले भाई सबको। वाह भाई फरिया को हाय कर रहे, फरिया के फैंस है भाई इतने सारे। आ गया वो मां को यहां जाने का, देखा था मार गया था, देखा वाला। हां मां ये गेट पे जीत गया ना, हां गेट पे जीत गया। आ रही है मतलब जब सो से बहुत जीत जाऊंगा बाकी, ठीक है भरोसा है मुझ पे, भरोसा है जीत जाऊंगा ना बस, जीत जाऊंगा ठीक है, सबको बाय कर दूंगा।